हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस तैयार किए थे। किसमें सर? टीडीएस में। उसमें मैंने आते ही आपको चार पॉइंट बताए थे कि पहले टीडीएस का पेमेंट होता है, फिर रिटर्न दाखिल करनी पड़ती है, फिर सर्टिफिकेट देना पड़ता है और उसके बाद एनुअल स्टेटमेंट 26AS में जाता है। रिकैप करवा दूं क्या? अच्छा ठीक, मैंने ये बताया था कि सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कि टीडीएस को डिपॉजिट करो। कब डिपॉजिट करो? गवर्नमेंट ऑफिस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिस, याद आया? विद इन 7 डेज और सेम डेट इसमें। और इसमें बताया गया था ईयरली एंड मंथली। अच्छा, इसके बाद डिपॉजिट करने के बाद टीडीएस स्टेटमेंट दाखिल करना पड़ता है, जिसको हम रिटर्न कहते हैं। फिलहाल ये रिटर्न नहीं कहा जाएगा, हम आपको समझाने के लिए, पेमेंट के बाद रिटर्न है। 26Q एंड 27Q फॉर्म होता है, हाँ या ना? क्वार्टरली फिलअप करना होता है, याद आया होगा? जी सर, मैंने नाम लिया था जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर, सॉरी अक्टूबर होगा ना, मैंने ये नाम लिए थे, हाँ या ना? जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एंड मई, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एंड मई, याद करना है। इसका सीधा तरीका है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तीन तीन महीने आप अलग कर लें। दिसंबर का जनवरी में बोलो ना, हाँ सर। सितंबर तक का अक्टूबर में। मार्च की अगर बात करें, चूंकि बहुत सारी टेंशन्स होती हैं इसलिए इसको एक एक्स्ट्रा मंथ दिया गया मई, और इसका जून तक का जुलाई में। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, ये बिल्कुल टाइम पर आपको दिख रहे होंगे, अप्रैल, मई, जून का जुलाई में, जुलाई, अगस्त, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जनवरी में। प्रॉब्लम केवल जनवरी, फरवरी एंड मार्च में आई, मई के महीने में। इज इट क्लियर? हाँ सर, कहीं कोई दिक्कत? नो। इसके बाद मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट देना पड़ता है, फॉर्म 16A, 16 सैलरी और 16B भी है, वो अभी हम बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज है बिल्कुल, उसको अभी हम बिल्कुल इस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ देते हैं। सर्टिफिकेट कब के अंदर देना पड़ता है? प्लस 15 डेज, प्लस 15 डेज, प्लस 15 डेज एंड प्लस 15 डेज, ये भी समझ में आ गया। और लास्ट में एनुअल स्टेटमेंट आता है फॉर्म 26AS में, बस ना। और ये 31 जुलाई तक आ जाता है। इतनी कहानी तो हमने आपको बताई थी। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 198 से स्टार्ट कर दिया था। 198 में हम लोगों ने आपको इनकम मान लिया था, जो भी मैं टीडीएस चार्ज करूंगा वो आपकी इनकम होगी और आपका पेमेंट मान लिया जाएगा, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। सेक्शन 200 में मेरी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज तय की गई कि हमें विद इन टाइम टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा और विद इन टाइम आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये वाला, विद इन टाइम टैक्स पेमेंट करना और विद इन टाइम टीडीएस रिटर्न यानी स्टेटमेंट सबमिट करना, गवर्नमेंट ऑफिस और नॉन गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में बताया। सेक्शन 200A प्रोसेसिंग ऑफ सेंट्रल लेवल का जो प्रोसेसिंग थी टीडीएस इनकी, उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है वो मैंने बताया था, हाँ या ना? प्रोसेसिंग में जितना टैक्स डिडक्टेबल था, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फाइन जोड़ लें और फिर माइनस कर दें, जितना पेड किया जा चुका है, जितना इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फाइन आ चुका है, माइनस कर दें, बैलेंस आप ड्यू होगा या रिफंड हो जाएगा। अच्छा, अब हमें आज बात करनी है इसके आगे। इतना तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था एंड दैट वॉज द रीकैप। सेक्शन 201 बोलता है,
consequences of failure to deduct the amount of TDS or payment of TDS. हो सकता है मैंने आपका TDS काटा ही नहीं, deduct ही नहीं किया, पहली गलती. अब इसके क्या परिणाम होंगे, सेक्शन 201 बोलता है. दूसरा, मैंने आपका टैक्स डिडक्ट तो किया था लेकिन पे ऑफ नहीं किया गवर्नमेंट को, ये दूसरी गलती की, दो गलतियों में से कोई एक. वेयर एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, और सेक्शन 192(1)(a) नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, हाँ है ना, इफ नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट पेड, देन इन दैट केस द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज एन एसेसी इन डिफॉल्ट. मुझे मान लिया जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट, आई वॉज द डिडक्टर एंड आई फेल्योर टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स और टू मेक द पेमेंट ऑफ डिडक्टेड टैक्स ड्यूली इन टाइम, देन इन दैट केस आई विल बी ट्रीटेड एज एन एसएससी इन डिफॉल्ट. आई विल बी ट्रीटेड एज एन एसएससी इन डिफॉल्ट, जी हां सर, अब आपको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा. लेकिन नहीं माना जाएगा, सेक्शन 201 कहता है कंसेक्वेंसेस क्या होंगे. अगर मुझे टैक्स डिडक्ट करना था, नहीं किया, मैं एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाऊंगा. मैंने टैक्स डिडक्ट तो कर लिया, पेमेंट नहीं किया, देन ऑल्सो आई विल बी ट्रीटेड एज एन एसएससी इन डिफॉल्ट. लेकिन ये तो कंसेक्वेंसेस हो गए, लेकिन क्या, लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि मुझे एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, बशर्ते आपने डिडक्टी ने has furnished his return of income, आपने अपनी return of income दाखिल कर ली और आपने अपनी उस income, return of income में मेरे द्वारा जो payment किया गया था उस amount को आपने शामिल कर लिया. Government को क्या चाहिए, tax. Government को ultimately क्या चाहिए, tax. Government किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहती. Ultimate the government want to get the amount of tax on any income, either by using the source of deduction or by using directly from, using to get it directly from the SSC. If I didn't deduct, then might be there are some chances that you have made the payment of tax to the government. मैंने आपको payment कर दिया, सारा का सारा dividend हुआ, rent हुआ, जो भी हुआ, और आपने उसको अपनी income मान ली और government को tax दे दिया. Government को क्या चाहिए, tax चाहिए, मुझे मुझसे नहीं चाहिए, आपसे ही चाहिए तो आपसे ही. लेकिन government ने मुझे responsible बनाया था, मैं अपनी responsibility में failure हो गया, लेकिन आप तो payment कर रहे हो, टैक्स तो गवर्नमेंट के पास गया. तो गवर्नमेंट ने कहा मुझे एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, कब, अगर आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल कर दी है और वो अमाउंट जो मैंने आपको दी उसको आपने अपनी इनकम में, इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है और टैक्स जो ड्यू था उसको आपने पेमेंट कर दिया है, जी हाँ, और मेरे कहने पर गवर्नमेंट मान लेगी कि आपने अपनी इनकम में दिखाया और आपने टैक्स पे कर दिया ना, वो आप बोलेंगे कि हमसे जो इनकम आपको मिली आपने अपनी इनकम में शामिल कर लिया है और गवर्नमेंट को आपने जमा कर दिया. मैं आपसे कहूंगा भाई भाई तूने तो जमा कर दिया, एक काम कर, मुझे एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, जरा एक सर्टिफिकेट दे दे. आप कहेंगे कौन सा सर्टिफिकेट, मैं कहूंगा सर्टिफिकेट दे दे कि तूने जो मुझसे इनकम कमाई थी वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दाखिल किया और उस पर सरकार को टैक्स दे दिया है. अगर आपसे मुझे ये प्रूफ मिल जाता है तो मैं एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं कहलाऊंगा. क्लियर जी सर, आगे चल सकते हैं. अच्छा, कंसेक्वेंसेस क्या होंगे. पहला कंसेक्वेंसेस तो ये हुआ एसएससी इन डिफॉल्ट, लेकिन एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं भी माना जाएगा. दूसरा कंसेक्वेंसेस ये होगा कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. तो विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ द अबाउट सबसेक्शन, इफ एनी सच पर्सन प्रिंसिपल ऑफिसर और द पर्सन हु वाज नीडेड टू डिडक्ट और पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स शैल बी लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट, नॉट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अंडरलाइन कर लेंगे, 1% के रेट से या 1.5% के रेट से. फिलहाल हम आगे नहीं बढ़ रहे, चलें. 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वॉज डिडक्टेबल टू द डेट ऑन विच सच टैक्स इज डिडक्टेड, एंड 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन सच फ्रॉम द डेट ऑन विच सच वॉज डिडक्टेड और ऑन द एक्चुअल पेड. यानी इंटरेस्ट जो आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा डिडक्टेबल था और आपने डिडक्ट करने में टाइम लगा दिया और पेमेंट गवर्नमेंट को किया,
तो गवर्नमेंट ने कहा इस डेट से इस डेट को, जिस डेट को आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आई थी और एक्चुअल में आपने अपनी लायबिलिटी को कब पूरा किया, हो सकता है उसमें टाइम लग गया हो, तो 1% पर मंथ के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट आपके ऊपर लग जाएगा। और यहां से यहां तक लेकर के 1.5% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा, जब तक गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट ना हो जाए। जी समझ में आया, आगे बढ़िए सर। बिल्कुल समझ में आया। अगर आपने टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया, वेयर द टैक्स हैज नॉट बीन पेड एज अ फोरसेट विद द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, देन इन दैट केस ये जो डिडक्टेबल अमाउंट था टैक्स का और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये आपकी एसेट्स के ऊपर चार्ज माना जाएगा। चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स, ऑल पर अंडरलाइन कर लेंगे, चार्ज अपॉन ऑल द एसेट्स ऑफ द पर्सन और द कंपनी एज द केस में भी। क्या कंसेक्वेंसेस हुए, क्या दुष्परिणाम हुए, मुझे टैक्स डिडक्ट करना था मैंने नहीं किया, मैंने डिडक्ट तो कर लिया पे नहीं किया, मुझे डिडक्ट करना था मैंने डिडक्ट नहीं किया, मैंने डिडक्ट कर तो लिया था लेकिन पे नहीं किया, ये गलती हो गई, तो मुझे एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया गया, पहला एक दुष्परिणाम सामने आया। लेकिन कहा गया आपको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, अगर सामने वाला इनकम टैक्स रिटर्न सही समय पर दाखिल करता है, मेरे अमाउंट को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाता है और उस पर सरकार को टैक्स दे देता है और मुझे एक सर्टिफिकेट दे देता है। हाँ, अब आते हैं दूसरे दुष्परिणाम पर कि इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। सर जी, एक तो एसएससी इन डिफॉल्ट हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना, कहा गया डिडक्टेबल की डेट से डिडक्टेड की डेट तक, मंथ टू मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ वुड बी कंसीडर्ड एज फुल मंथ, तो फुल मंथ यानी 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जब तक क्यों डिडक्ट नहीं किया कर दिया जाता, और जिस दिन डिडक्ट किया हो और पेमेंट करने में टाइम लगाया है तो कहा गया पेमेंट की डेट तक 1.5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट आपके ऊपर लग जाएगा। जी यहां तक नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। और जहां तक अमाउंट ये टैक्स और इंटरेस्ट की बात है, ये चार्ज ऑन ऑल एसेट्स मान लिया जाएगा, चार्ज अपॉन ऑल एसेट्स, नो ऑर्डर शैल बी मेड। 7 साल बाद फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, सेक्शन 203 छोड़ देते हैं। सर्टिफिकेट देना है आपको, मालूम है कौन सा सर्टिफिकेट, 26Q एंड 27Q मालूम है, मालूम है सर्टिफिकेट देना है, देना है। अच्छा 203 सेक्शन 203A होगा जी, जिस तरह आपके पास पैन होता है ना, आधार नंबर होता है ना, उसी तरह टीडीएस मुझे अगर आपसे चार्ज करना है, मुझे आपको कोई इनकम देनी है और टैक्स डिडक्ट करना है, तो मेरे पास, मैं आपको कोई इनकम दे रहा हूं, मेरे लिए तो खर्चा, आपके लिए इनकम है और जो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं उस पर मुझे टैक्स डिडक्ट करना है, मेरे पास ये होना जरूरी है। जैसे पैन और आधार नंबर, जैसे किसी बिजनेस को चलाने के लिए लाइसेंस नंबर, उसी तरह टीडीएस चार्ज करने के लिए टीडी कैन नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स अकाउंट नंबर। जी तो कहा गया कि जो डिडक्ट करेगा उसको टीडी कैन नंबर लेना पड़ेगा, ये पहला कंपल्शन है। अब अगर नहीं लिया है तो अप्लाई कर दो। क्या यूजेस होंगे, जितने भी रिटर्न्स जाएंगे, जितने भी चालान बनेंगे, जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे, जितने भी स्टेटमेंट्स जाएंगे, मैंने चार वर्ड यूज किए और अब तक लास्ट सेशन से अब तक मैं बार बार ये चार वर्ड यूज कर रहा हूं, जितने भी रिटर्न्स होंगे, जितने भी चालान बनेंगे, जितने भी रिटर्न्स होंगे, जितने भी स्टेटमेंट होंगे और जितने भी रिटर्न, बोला कि नहीं बोला, नहीं बोला तो सुन ले, जितने भी रिटर्न हो,
जितने भी सर्टिफिकेट्स हों, जितने भी स्टेटमेंट्स हों, जितने भी चालान हों, हर जगह आपको टीडी कैन नंबर को लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना है? क्योंकि गवर्नमेंट उस पर प्रोसेस करेगी, गवर्नमेंट प्रोसेस करेगी, तब तो 26AS में आएगा। तो गवर्नमेंट प्रॉपरली प्रोसेस करे इसके लिए टीडी कैन नंबर को लिखा होना जरूरी है, ये याद रखेंगे। तो मेरे पास टीडी कैन नंबर होना चाहिए, आपके पास पैन नंबर होना, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास पैन है, पैन। तो आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। अगर पैन नंबर नहीं है तो देखें आपके ऊपर, मेरे ऊपर सेक्शन 203A लग रहा था, आपके ऊपर सेक्शन 206AA लगेगा। तो आपके ऊपर पैन नंबर होना चाहिए, आपके पास पैन नंबर और मेरे पास टीडी कैन नंबर, ये कंपल्शन है। तो मेरे लिए सेक्शन 203A लगेगा, आपके पास पैन नंबर हो इसके लिए सेक्शन 206AA लगेगा जी। फिलहाल सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, कहां कहां जरूरत पड़ेगी? सर जितने भी रिटर्न होंगे, जितने भी सर्टिफिकेट होंगे, जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे और जितने भी चालान होंगे, उन जगहों पर हमें टीडी कैन नंबर को कोट करना पड़ेगा जी। अच्छा जी, सेक्शन 205 खत्म होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। जो समझना था वो तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में समझ लिया, इस समय तो हम लोग प्रोसीजरल एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेता। कहानी होती है, एज ए स्टोरी वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। मेरे पास टीडी कैन होना चाहिए, आपके पास पैन होना चाहिए। सेक्शन 205 बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑन SSC। अब मान लीजिए मैंने TDS नहीं चाहा, टैक्स डिडक्ट नहीं किया आपकी इनकम से। Who was responsible? Sir, you were responsible. But ultimately, who one person was responsible to make the payment of tax on the income? You. But I was responsible to deduct the amount of tax, and due to non-deduction of tax, I was treated as a SSC in default. Okay. वो तो उसके consequences से समझ में आ गए। Assessing officer. अगर मैंने आपका टैक्स डिडक्ट नहीं किया एंड आई वॉज रेस्पॉन्सिबल, आपके ऊपर एसेसिंग ऑफिसर डिमांड नहीं कर सकता। एसेसिंग ऑफिसर डिडक्टर नहीं, डिडक्टी की बात कर रहा हूं, एसेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट SSC, जो एक्चुअल SSC है, उसके ऊपर डायरेक्ट डिमांड नहीं कर सकता कि आप उस अमाउंट का टैक्स पे करो जिस अमाउंट के टैक्स को मुझे डिडक्ट करना चाहिए था। एंड दैट देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर सेक्शन 205 बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑफ टैक्स ऑन SSC वेयर टैक्स इज डिडक्टेबल एट द सोर्स अंडर द फोरगोइंग प्रोविजन। डिडक्टेबल द SSC शैल नॉट बी कॉल्ड अपॉन, SSC मीन्स यू, you directly shall not be called upon to pay the tax himself to the extent which tax has been deducted from that income. Is it clear? तो आपसे direct tax की demand नहीं की जा सकती। Section 206AA requirement of PAN, PAN number आप देंगे, बिल्कुल सही PAN number देंगे। अगर आप PAN number देंगे तो ठीक, जो provision में लिखा है उस rate पर आपके ऊपर TDS मैं deduct करूंगा। अगर आपने पैन नंबर देने में आना कानी की, चार आना, आठ आना और दो आना नहीं, आना कानी की, अगर आपने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो क्या होगा? कहा गया 20% या रेट्स इन फोर्स, जो प्रोविजंस में टैक्स रेट है, और 20% जो अधिक होगा उस पर TDS आपका डिडक्ट हो जाएगा। क्या आपको पैन देना है मुझे? अगर आपने पैन नहीं दिया तो मुझे आपके अमाउंट से प्रोविजन के हिसाब से TDS रेट या 20% जो दोनों में से अधिक होगा उतना टैक्स डिडक्ट कर लेना पड़ेगा जी। बात समझ में आई? Mm-hmm.
हो सकता है आपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाकर के आपने एक सर्टिफिकेट ले लिया। आपने सर्टिफिकेट लिया लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स, बात की बात है, लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स का आपने एक सर्टिफिकेट ले लिया कि भाई साहब देखिए आप 10% डिडक्ट मत करिएगा। हमने ना आपने हमसे बोला, हमने ना आप हमसे बोल रहे हैं, हमने ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जा करके ये एक लेटर पत्र लेकर आए हैं जिसमें लिखा है 2% के हिसाब से टीडीएस कटेगा, ये लीजिए। आपने हमको दिया, मैंने देखा हाँ भाई आपने तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट ले लिया है और सर्टिफिकेट में लिखा है कि आपकी इस अमाउंट ऑफ इनकम पर 2% के हिसाब से टीडीएस कटेगा, देन आई विल स्टार्ट टू डिडक्ट टैक्स एज एट द रेट ऑफ 2% ऑन योर इनकम पार्ट। इज इट क्लियर? लेकिन हो सकता है आपका वो कैंसिल हो गया हो, तो अगर कैंसिल हो गया तो मुझे फिर नॉर्मल प्रोविजन पर जाना पड़ेगा। जी फिलहाल अगर आपने मुझे पैन नंबर गलत दिया, सही नहीं दिया, तो मान लिया जाएगा कि आपने मुझे पैन नंबर तो दिया ही नहीं था। आपने पैन नंबर दिया लेकिन सही नहीं दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने मुझे कभी पैन नंबर दिया ही नहीं जाएगा, यानी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आपके सारे के सारे मिसलेनियस प्रोविजंस ओवर हो चुके हैं। लास्ट पेज पर मैंने आपको पेनाल्टी के प्रोविजंस दिए हुए हैं, आप लोग उनको एक बार देख लेंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूं तो आपको समझ में आएगा। अगर आप देखें तो पहला है फेल्योर टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स, हाँ या ना, या पार्ट ऑफ द टैक्स, तो जितना टैक्स है उससे ज्यादा की पेनाल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी। यानी अगर आपने गलती कर दी, डिडक्ट नहीं किया टैक्स, मैंने मैंने गलती कर दी, टैक्स डिडक्ट नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, कम टैक्स डिडक्ट किया, तो जितना टैक्स का शॉर्टेज है उससे ज्यादा, या जितना टैक्स डिडक्ट किया जाना चाहिए था उससे ज्यादा की पेनाल्टी नहीं इंपोज हो सकती। सर इंटरेस्ट भी लगता है, लेट फीस भी लगता है, हाँ पेनाल्टी भी लगती है, हाँ ठीक। फेल्योर टू डिलीवर और कॉस्ट टू बी डिलीवर्ड इन टाइम, 15G&H, ₹100 पर डे टिल फेल्योर कंटिन्यूज, मैक्सिमम लिमिट इज टैक्स डिडक्टेबल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करने में फेल्योर हो जाता हूं तो ₹100 पर डे टिल फेल्योर कंटिन्यूज। फेल्योर टू फर्निश अ स्टेटमेंट रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, ₹100 पर डे। फेल्योर टू डिलीवर और कॉस्ट टू बी डिलीवर अ स्टेटमेंट विद इन टाइम, ₹100 पर डे। यानी अगर मैंने गलती की शॉर्ट टैक्स किया या टैक्स डिडक्ट किया ही नहीं, तो टैक्स के अमाउंट के बराबर जो शॉर्ट होगा या पूरा टैक्स, उतने के बराबर की पेनाल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। और बाकी अगर मैंने सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया, डिक्लेरेशन सही समय पर नहीं दिया, या टीडीएस सर्टिफिकेट सही समय पर इश्यू नहीं किए, तो उस केस में ₹100 पर डे के हिसाब से जब तक ये गलती चलती रहेगी आपके ऊपर पेनाल्टी लगती रहेगी। अगर टीडी कैन से रिलेटेड गलती है, गलत टीडी कैन दे दिया, हाँ या ना, अप्लाई नहीं किया टीडी कैन, मैंने गलत नंबर को कोट कर दिया, तो ₹10,000 तक की पेनाल्टी है, ₹10,000 की पेनाल्टी है। और सबसे बड़ी गलती, मैंने अगर टैक्स डिडक्ट किया था और मैंने उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, ये सबसे बड़ी गलती है। फेल्योर टू डिडक्ट टीडीएस वो पहला था, या शॉर्ट डिडक्शन, डिडक्ट कर लिया, पेमेंट नहीं किया, अपनी जेब में रख लिया, बहुत बड़ी गलती कर ली। 3 महीने से लेकर 7 सालों तक की, सालों की मेहनत, सालों की कमाई, सालों ने मिल बैठ, सालों खाई, जी 3 महीने से लेकर अगर मैंने जेब में पैसा रख लिया और गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, तो मेरे ऊपर जेल की सजा का प्रावधान है। 3 महीने से लेकर 7 सालों तक की सजा हो सकती है, और साथ में ये नहीं, फाइन भी लग सकती है। हाउ आर यू, आई एम फाइन। मुझसे कोई कहता है कि हाउ आर यू, मैं कहता हूँ, मैंने पूछा हाउ आर यू, कहता है आई एम फाइन, तो मैं कहता हूँ आई एम पेनाल्टी, इफ यू आर फाइन देन आई एम पेनाल्टी। तो वही चीज है, यहाँ पर पेनाल्टी टॉपिक है। तो
तो फेल्योर टू अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ टीडी कैन कोट टीडी कैन इन चालान सर्टिफिकेट एंड स्टेटमेंट कोट फॉल्स नंबर तो 10,000 रुपए तक का, और अगर आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया था गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं क्रेडिट किया तो उस केस में आपके ऊपर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है विद फाइन। जब कोई भी पेनाल्टी तब तक नहीं लगेगी जब तक कि सुनने का उचित मौका ना दे दिया जाए, नेचुरल जस्टिस का प्रोविजन लगेगा। नो पेनाल्टी इफ द एसएससी प्रूव्स दैट देयर वाज रीजनेबल केस फॉर द सेड फेल्योर, दैट्स इट। ये कॉमन सेंस की चीजें थी, ये हमारे स्पेशल प्रोविजंस थे टैक्स से टीडीएस से रिलेटेड, और नॉर्मली हम लोग इन चीजों को पढ़ना भूल जाते हैं या छोड़ दिया जाता है या छोड़वा दिया जाता है, एंड वी डिडंट गिव एनी टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन दीज टॉपिक्स। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो अगर जरूरत पड़ी तो इसके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज विल स्टार्ट टू पिक अ न्यू वन चैप्टर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।